मोहम्मद जावेद, यस यस प्लीज। कौन सा? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर माननीय मंत्री भी बिहार से आते हैं और जानते हैं, और इत्तेफाक से बिहार में भी उन्हीं की सरकार है सर। हम सब जानते हैं कि अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट था उसमें ये दर्शाया गया कि 52% लोग बिहार में गरीब हैं। वही नहीं, सीमांचल में लगभग 65% लोग गरीब हैं सर। आप भी जानते हैं, आपके इलाके में भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन सर, और आपका हिंदुस्तान में अगर आबादी देखा जाए, बिहार की आबादी 10% है, लेकिन मनरेगा में फंड का देखा जाए, जहां पे 1,10,000 करोड़ पिछले साल दिया गया था, वहां पे बिहार को सिर्फ 6,600 करोड़ दिया गया। हमारे पॉपुलेशन के तुलना में भी नहीं दी गई, उसकी आधी दी गई। वहीं पे अगर हम सबसे पहला अव्वल आंध्र प्रदेश का देखें सर, पॉपुलेशन के आधार पे दुगुना दी गई। तो मेरा माननीय मंत्री से आपके द्वारा ये जानकारी लेनी है कि क्या आपकी मौजूदा मोदी सरकार केंद्र में और मौजूदा सरकार बिहार में, बीजेपी की सरकार बिहार के लोगों को और गरीब बनाना चाहती है, और अगर नहीं बनाना चाहती है तो क्या हमारे पॉपुलेशन के आधार पे हमें माननीय सदस्य सम्मानित हैं, मैं कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा। इनके यूपीए सरकार में बिहार को केवल 9 करोड़ लेबर बजट हुआ था, केवल 9 करोड़। और आज बिहार में 21 में आप देखें 23 करोड़ है। आगे भी बिहार की सरकार प्रगतिशील सरकार है, आगे जो भी जरूरत पड़ेगी भारत सरकार वहां करने को तैयार है।